हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए ब्लॉग वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जा रहे हैं मसरूर रॉक टेम्पल और मेरे साथ अपने शुभम भाई और ये हम साथ जाएंगे आज। तो यहाँ है पीछे मंदिर, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मंदिर से बाहर का व्यू, आप देख सकते हैं। ये पूरा कब्र एक रॉक को काट के बनाया गया था। ये है टिकट काउंटर, ये अभी बंद है। चलिए अंदर जाके देखते हैं कि हमें टिकट मिलती है जाने की नहीं। तो मंदिर की मेन सीढ़ी से हम आके जा रहे हैं। तो ये है मंदिर। एज पर हिस्ट्री ये 7th to 8th century बनाया था कश्मीर के राजा विक्रमादित्य ने, ललितादित्य वर्मन ने। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर जो था पांडवों ने बनाया था जब वो वनवास काल के थे अपने, उस पीरियड में उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। तो एक पौराणिक कथा ये भी है। काफ़ी ठंड। चलिए आगे देखते हैं, मंदिर की हिस्ट्री दी हुई है इस बोर्ड पे, पढ़ते हैं क्या है। तो ये है आर्कियोलॉजी ASI शिमला सर्कल की रिपोर्ट है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें हिस्ट्री बताई हुई चंबा टेम्पल की, इस टेम्पल की, मसरूर रॉक टेम्पल की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। में भूकंप आया था, उसमें काफी इस मंदिर को नुकसान हुआ था। यहाँ पे टिकट मिल रही है, टिकट की कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑनलाइन टिकट निकाल सकते हैं। ये QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए और आपके मोबाइल नंबर पे टिकट आ जाएगी। तो चलिए टिकट लेते हैं। चलिए एक सिनेमैटिक शॉट लेने का कोशिश करते हैं। वैसे मैं वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ तो इतनी अच्छी आएगी नहीं, हमारे पास महंगे कैमराज हैं नहीं। चलो फिर भी एक ट्राई करके देखते हैं। तो ये है मेन मंदिर, आप देख सकते हैं। और उस पर काफ़ी अच्छी पत्थर से नक्काशी करी हुई है, लोग फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये है मंदिर का गर्भगृह। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करके आते हैं, फिर मैं आपको पूरे मंदिर की सैर करवाता हूं। तो लेट्स हैव अ स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये है मंदिर का मुख्य कपाट द्वार, तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। ये यहाँ से स्टेयर है ऊपर को जाने के लिए, और ये एक यहाँ से है मंदिर की छत को जाने के लिए, जो बंद करी हुई है क्योंकि काफ़ी एंटीक मंदिर है, काफ़ी पुराना है, तो टूट गई है अभी ये। और ये है मंदिर का गर्भगृह। श्री राम को समर्पित ये रॉकट मंदिर। अद्भुत नक्काशी की हुई इस पर, आप देख सकते हैं। ये सब और 7th to 8th century के लगभग इसका टाइम माना जाता है।
चलिए दोस्तों वापस चलते हैं अब मंदिर में माथा टेकने के बाद। ये देखिए ये कुछ डिज़ाइनिंग करी हुई है, पत्थर पे नक्काशी करी हुई है, भोलेनाथ की प्रतिमा है। ये शायद मंदिर के मुख्य पिलर रहे होंगे। 1905 में कांगड़ा में भयंकर भूकंप आया था, उसके बाद इस मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ था, टोटली ये मंदिर टूट गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इसके कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं जिस ये देख सकते हैं आप कि मंदिर की रॉक्स जो हैं वो टूट के गिरी हुई हैं। काफ़ी नुकसान हुआ था इस मंदिर को 1905 में भूकंप में। तो ये आप फ्रंट से व्यू देख सकते हैं मंदिर का, बहुत ही शानदार। ये सारा का सारा मंदिर एक रॉक को काट के बनाया गया है जो कि नागर शैली की अद्भुत कलाकृति को प्रदर्शित करता है। मंदिर की खूबसूरती देखने योग्य है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, साथ में शेयर भी कर देना। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब कुछ सीढ़ियां चल के ऊपर चलते हैं और ऊपर से देखते हैं कि मंदिर का व्यू कैसा है टॉप की तरफ। ओ, काफ़ी सीढ़ियां हैं, यहां से सांस फूल जा रही है चढ़ते हुए। अगर आप हिमाचली हैं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप अक्सर ऐसी ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते रहते हैं। तो अब हम ऊपर पहुंच गए हैं, काफ़ी टूरिस्ट आज यहां आए हुए हैं, छुट्टी का दिन है, मौसम भी अच्छा है। ये यहां का लोकल स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, मसरूर गवर्नमेंट हाई स्कूल। चलिए आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, फैमिलीज कुछ। तो अभी यहाँ से सामने से आपको मंदिर दिखेगा। ओह वाओ, लुक एट द व्यू, देखिए पूरा मंदिर यहाँ से दिख रहा है। काफ़ी ठंड है आज, तो काफ़ी भीड़ है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं लगता। ये सारा मंदिर जो था वो एक रॉक को काट के बनाया हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अलग अलग रॉक्स के बनाया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जेल जैसी क्या है, चले आगे जाके देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मंदिर के कुछ पुराने अवशेष रखे हुए हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इनको एकत्रित किया गया है और इनको यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत कला नक्काशी इन पे करी हुई है, काफ़ी पुराने हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर पांडवों के वनवास काल के दौरान बनाया गया था और कुछ दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, कश्मीर के जो इतिहास की बुक है राज तरंगिणी के अनुसार, उसके अनुसार ये जो मंदिर है ये 8वीं से 9वीं सेंचुरी के आसपास बनाया गया था, जिसको कश्मीर के राजा ने बनाया था। आप देख सकते हैं ये कुछ मंदिर के पुष्पकुरान टूटे हुए खम्भों के अवशेष हैं जिन पे कलाकृति कई हुई है।
दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स जो थे हमने क्लिक किए थे, तो अभी आपको दिखाते हैं कैसे फोटोग्राफ्स आए। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हमने क्लिक करी थी अपने सस्ते वाले DSLR से, अच्छी फोटो आई थी, कुछ देख सकते हैं आप। तो आप कभी फ्रेंड्स आओ यहाँ पे इस एरिया में, हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो इस मंदिर जरूर आना, मसरूर रॉक का टेंपल नियर बाई नगरोटा सूर्या है ये मंदिर। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में। ये एक छोटी सी ट्राई थी, आई होप आपको पसंद आएगी। इम्प्रूवमेंट की अभी और ज़रूरत है, नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।